नमस्कार दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि हमारे जीवन में कोई ना कोई कार्य करने पर हमारे जीवन पर भी प्रभाव पड़ता है। ये बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं और मेहनत करने के बाद भी आपको वह रिजल्ट नहीं मिलता जिसकी आप चाहत रखते हैं और आप किसी ना किसी आर्थिक तंगी से परेशान हैं, तो मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ कुछ ऐसे अचूक उपाय जिन्हें करने से आपकी 3 दिन में ही किस्मत बदल जाएगी। जानते हैं आज कौन से हैं वह उपाय। उपाय नंबर 1, यदि आप सूर्यास्त के समय किसी को दूध, दही या फिर दूध से बनी हुई चीजें किसी को दान करते हैं तो यह आपकी समस्या और करियर दोनों को ही बिगाड़ सकता है। अगर आप यदि आप इन चीजों में से कोई भी चीज शाम को दान नहीं करते हैं तो आपके जीवन में जो करियर में बाधाएं आई हैं वह सभी दूर हो जाएंगी और आपकी किस्मत बदल जाएगी। तो कोशिश करें कि यह चीजें आप सूर्यास्त के समय किसी को भी दान ना दें। उपाय नंबर 2, यदि आप कहीं पर जॉब करते हैं और वहां पर जॉब करने के साथ साथ आपको 2 महीने या 3 महीने में आपको मिठाई जरूर बांटनी चाहिए, अपने साथ में काम करने वाले या फिर कर्मचारियों के साथ घुल मिलकर रहना चाहिए, क्योंकि यह घुल मिलकर रहने वाली विशेषता आपके जीवन पर लागू होती है और यह आपके लिए एक नया रास्ता खोलते हैं और आपकी तरक्की भी बढ़ सकती है। उपाय नंबर 3, रसोई घर में न रखे कभी भी छोटे बर्तन। हमने खास कर देखा है कि जब हम कहीं जॉब करते हैं और जॉब करने के बाद हम लेट आते हैं तो लेट आने के बाद हम खाना खाने के बाद बर्तन ऐसे ही रख देते हैं रसोई में, और ऐसे रखने से हमारे जीवन में बहुत सारे समस्याएं आ जाती हैं क्योंकि ये बाधाएं हम खुद ही उत्पन्न करते हैं। तो कोशिश करें कि आप उन बर्तनों को साफ करके रखें। अगर पॉसिबल ना हो तो उसके लिए आप पानी से ही धोकर रख सकते हैं, भले ही माँच ही ना रखें लेकिन उसे पानी से धोकर जरूर रखें क्योंकि वह छूटे नहीं रहेंगे और ऐसे आपके जीवन और करियर पर भी कोई परेशानी नहीं आएगी। उपाय नंबर 4, आप हमेशा ध्यान रखें कि जहाँ पर आपका मेन गेट है उसके बिल्कुल सामने आपको कूड़ेदान नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से ये लक्ष्मी गेट से ही वापस लौट जाएंगी, कभी भी घर में प्रवेश नहीं करेंगे, क्योंकि गंदगी तो आपने घर के सामने ही रख रखी है तो सफाई और स्वास्थ्य का तो सवाल ही नहीं उठता। तो कोशिश करें कि आप घर के सामने कूड़ेदान बिल्कुल न रखें। नंबर 5, खीर बनाएं। आप महीने में या फिर सप्ताह में एक बार जरूर खीर बनाएं और खीर बनाने के साथ आप अपने बड़े बुजुर्ग और अपने सभी घर के सदस्यों को खीर जरूर खिलाएं। ऐसा करने से आपके घर में जितनी भी दरिद्रता है, जो आर्थिक तंगी है, उन सभी से दूरता बनेगी और लक्ष्मी माँ का भोग लगाना ना भूलें क्योंकि ये दरिद्रता को दूर करने के लिए भी पूजी जाती है। नंबर 6, आपने अक्सर देखा होगा कि लोग थक कर ऑफिस से आने के बाद अपने बिस्तर पर ऐसे अड़ जाते हैं, फिर उठने का नाम नहीं लेते, एक ग्लास पानी उठकर नहीं ले सकते, वहीं बैठे बैठे ही खाना खाना है और वहीं बैठे बैठे सारे काम होने हैं। तो ऐसा कभी नहीं करना चाहिए क्योंकि बिस्तर पर यदि आप बैठे बैठे ही सारे काम करोगे तो आपका शरीर बिल्कुल भी काम नहीं करेगा और उसकी वजह से आपके घर में दरिद्रता आएगी और आपके करियर पर भी गलत प्रभाव पड़ेगा। तो कोशिश करें कि आप बिस्तर पर ऐसे काम ना करें क्योंकि ऐसा करने से आपके ऊपर कर्ज भी बढ़ता है। नंबर 7, अपने घर में एक हफ्ते में जरूर नमक का पोछा लगाएं क्योंकि नमक का पोछा लगाने से आपके घर से नकारात्मक चीजें दूर हो जाती हैं और नमक को सबसे अच्छा पेय पदार्थ में माना जाता है, क्योंकि नमक से जो भी चीजें जैसे भूत प्रेत पिशाच जो भी चीजें नकारात्मक होती हैं वह सभी चीजें आपके घर से क्या आपके चौखट से दूर रहेंगी। तो कोशिश करें कि आप हफ्ते में एक बार नमक का पोछा जरूर लगाएं। तो यह है वह कार्य, यदि आप करते हैं तो आपकी सफलता जरूर निश्चित है और आपकी जितनी भी समस्याएं हैं वह सभी दूर हो जाएंगी। और मेरी इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।